नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की आज ईडी में पेशी क्या हुई कि कांग्रेस ने बवंडर मचा दिया, कहा यह सत्याग्रह है, यह शांति मार्च है, ये हमारी संदेश यात्रा है, ये हमारी झुकने न देने वाली यात्रा है। विविध रूपों में विविध नेताओं ने बताया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लगता है ये एक जश्न ए भ्रष्टाचार है, सत्याग्रह नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सत्याग्रह है तो क्यों सत्याग्रह है? एक बार नहीं, 10 बार ये बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि भाई यदि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आप कहते हैं हम झुकेंगे नहीं, तो फिर सीधे सीधे सवालों के जवाब दे दीजिए, फिर कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक हथियार बनाना कहां तक उचित है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या जब नेताओं को ईडी या सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों में बुलाया जाएगा तो फिर क्या शांति मार्च होगा? और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस से अतर नईम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अतर जी, अरे भाई ये संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, आपको किसी एजेंसी ने बुलाया है तो आप जाइए, सवालों के जवाब दे दीजिए, आप सच्चे हैं बड़ी हो जाएंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका आज आपने अपनाया कि न दिल्ली में बिल्कुल घेराबंदी कर दी, नेताओं ने घेराबंदी कर दी, बल्कि दूसरे राज्यों में हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों में भी इसी तरीके के प्रदर्शन हुए, आखिर ये आपकी क्या मंशा, आप ये क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपके प्रश्न में कई बातें निहित हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि कानून, कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट कचहरी या ये जांच एजेंसियों के माध्यम से होता है, उसके जवाब देते हैं। लेकिन अगर आप उसको बार बार, हर आपका यानी भाजपा का, आप कहने का तात्पर्य यहाँ भाजपा से है, आपके चैनल से नहीं है, अगर भाजपा का एक एक प्रवक्ता बार बार कहे कि आप जमानत पे हैं, जमानत पे हैं, तो क्या ये बताएं कि जमानत का प्रावधान गैर कानूनी है? छोटी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब बेल की बात करें, दें, तो इसको आप क्या असंवैधानिक मानते हैं? दूसरे हमारे एसोसिएटेड जर्नल्स, यंग इंडिया और पत्रकारों का जो पैसा बकाया था उसको देने के लिए हमने जो रास्ता चुना, हमने जो शेयर को एक दूसरे में मर्जर करके उस समय जो ठीक लगा, अगर हम गलत हैं तो कानून के साथ हमारा हिसाब किताब होना चाहिए, न कि राजनीतिक रूप से। उसका जवाब कांग्रेस के लोगों ने दिया, इसमें श्री राहुल गांधी जी ने नहीं किया। राहुल गांधी जी पैदल निकल गए, अगर वो चाहते तो सरकारी गाड़ी जो मिली, उनके पास तो कोई गाड़ी है नहीं, उस गाड़ी से जा सकते थे, लेकिन जब पैदल निकले तो लोग भी आए कांग्रेस के, हर बड़ा छोटा नेता। आपने तो दूसरे प्रांतों से लोगों को बुला रखा था, बुला रखा था, आपने राजस्थान से लोगों को बुलाया, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के साथ नहीं है, उनको सीरियस नहीं लेते। पूरे देश के लोगों ने, पूरे देश के कांग्रेस जनों ने एकजुटता दिखाई, और अगर उनका गलत तरीके से कुछ किया गया, गिरफ्तारी या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो पूरे देश में कांग्रेस इसका
मुकाबला करेगी, प्रदर्शन करेगी, जेल में जाएगी, कुछ भी करेगी। मतलब निर्णय आप कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लेंगे कि भैया? नहीं, निर्णय हम नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम भाजपा के उस राजनीतिक कुचक्र का, षड्यंत्र का, अगर बार बार कहते रहते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ कोई नहीं है, पूरा देश का कांग्रेसी साथ। ओ, तो क्या, एक सवाल और आप पूछ लें जी, तो क्या आज आपने राहुल गांधी को रिलॉन्च कर दिया? नहीं, रिलॉन्च की बात नहीं, हम तो उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं, और हम उसमें जांच एजेंसी उनको दिखा रहा है कि देखो नहीं नहीं राहुल गांधी के साथ इतना है, क्या मतलब है इसका? जांच एजेंसियों और कोर्ट के माध्यम से हम बिल्कुल निष्कलंक होके आएंगे, ये हमारा मानना है। लेकिन राजनीतिक पटल पर भाजपा जो करती है उसके लिए ये आवश्यक था। ठीक बात है, और नहीं मानेंगे तो आगे और होगा, और होगा बिल्कुल। क्या धन प्रकाश जी, आपने सुना तरुण जी को, उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं, जब देखो बेल बेल बदनाम करते हैं, बड़ा बदनाम करते हैं, तो आज इन्होंने अपनी बदनामी को दूर करने के लिए एक प्रदर्शन किया है। क्या इससे बदनामी दूर हो जाएगी क्या? वर्मा जी, गोबर से गोबर साफ होते मैंने तो देखा नहीं जी, गोबर तो पानी से साफ होगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट ही नहीं, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ईडी की कार्रवाई है वो जस्टिफाइड और वो चलती रहेगी, आपको उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं मिलेगा, आपने जमानत करा ली। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ईडी ने आपको समन कर लिया तो क्या आप घोषित युवराज हैं, या इस देश के ऐसे राजा हैं, या इस देश के ऐसे तानाशाह हैं कि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता? अगर वो क्वेश्चन करे तो कुचक्र है, षड्यंत्र है। महात्मा गांधी जी की हत्या 47 में हुई थी, कोर्ट ने कहीं पर भी आरएसएस जनसंघ का नाम नहीं लिया, वहां नाथुराम गोडसे का नाम आता, लेकिन आप आज तक गांधी के हत्यारे 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 चिल्लाते हो, क्यों बार बार चिल्लाते हैं आप? दूसरी बात ये कि जब एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया में भीड़ इकट्ठा करना, उसको सीधा प्रभावित करना है, और प्रभावित किसी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना यह स्वयं में एक अपराध है। क्या जरूरत थी? केवल राहुल गांधी जी चले जाते, अपने पीए को ले लेते, वकील को ले लेते, जाते अपनी बात का जवाब देते, और जो आपने शुरुआत में बात कही कि हमको पेमेंट करने थे, आपने किया क्या? कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड को दिया, क्या राजनीतिक पार्टी किसी उसको दे सकती है? और उसके बाद आपने उसको माफ कर दिया, 50 लाख की कंपनी ने और 5 लाख की कंपनी ने उसके सारे शेयर खरीद लिए। आज जिसमें नेशनल हेराल्ड की जो हेराल्ड बिल्डिंग है वो करोड़ों रुपए की है, जिसमें पासपोर्ट ऑफिस है दो खंड में, या अन्य जगह में जिनका हैवी किराया आता है, आपने पंडित नेहरू की विरासत को केवल अपने लालच में उसको आप खत्म कर रहे हैं। भाई वाह, पंडित नेहरू की जन्म भर आप लोग बुराई करते रहते हैं, आज उनकी विरासत की विरासत तो होगी, चाहे अच्छा आदमी हो चाहे खराब हो, भाई कुछ छोड़ गया, भाई कोई छोड़ गया तो नाम तो उसी का होगा, बाप तो बाप रहेगा। देखिए, इन्होंने दो बातें कही, डॉक्टर साहब मुझे भी उत्तर देने का अवसर दे। बिल्कुल बिल्कुल, महात्मा गांधी की हत्या पे आरएसएस की कितनी बैकिंग या कितना पीछे थे साथ में, इस पर पूरे घंटे दो घंटे की पूरी बहस कर लीजिए तथ्यों के साथ, आज का मुद्दा इसमें गौण ना हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो साफ कर देंगे कि किस तरह से ये सारा का सारा कुंभा था गांधी जी की हत्या में, कई प्रयास हुए थे। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, हमने पत्रकारों को पैसे दिलाने के लिए किया, एक कंपनी जो घाटे में चली गई थी उसको उबारने के लिए प्रयास किए, बाकी जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो फैसला होगा। आपने राजनीतिक रूप से, यानी भाजपा ने राजनीतिक रूप से जितना कुचक्र रचा, प्रपंच रचा, हम उसकी बात करते हैं कि वो गलत है। नहीं, क्या गलत है? आपने जो बेल होना, कोई अपमान इंडिया बनाया, आप किसी पर आरोप लगाते बेल नहीं कराया क्या? एक कानून का प्रावधान, और उसमें मात्र 1063 शेयर होल्डर, मैक्सिमम सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उसके डायरेक्टर, और बाद में
एक कर्ज माफी करने के नाम पर 2000 करोड़ की संपत्ति है नेशनल हेराल्ड की, जिसके दफ्तर मुंबई में भी है, लखनऊ में भी है, सब जगह हैं, और उसको आपने कब्जा कर लिया। आरोप तो आपके ऊपर यही है, और ये भी आरोप है, और ये भी सुनिए, जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर आपको जमीन दी गई उसमें ये कहा गया था कि आप सिर्फ प्रकाशन करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, अन्य उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर ऑफिसेस खोल दिए गए, वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं शुरू कर दी, उसका फायदा उठाया जा रहा, सीधा सीधा बात है। इसी प्रकार से अगर जो इंडिया है जिसके बारे में कहा जा रहा कि ये चैरिटी हो है कंपनी है, उसके बाद उससे भी लाभ उठाए गए, तो मेरा सवाल सीधा सीधा है कि यदि आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो फिर आप कैसे उसको बच सकते हैं? देखिए, कोई निजी लाभ के नहीं है, वो उसके जतन में कि कैसे इसको उबारा जाए। कोई भी घाटे की कंपनी काफी कुछ किराए पे उठाती है, काफी कुछ सेल आउट करती है, उसके जतन में ये, चूंकि रेवेन्यू के एक्सपर्ट तमाम सीए और सबकी राय लेकर ईडी और कोर्ट और इनकम टैक्स सब कुछ करेंगे और कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी पूछ चुका है, तो जब ये कोर्ट के सामने प्रस्तुत होगा तो वहां सारी बातें आएंगी, उस पटल पर होने की बातें हैं। जब मामला कोर्ट में आ जाता है, सब जुडिस हो जाता है, तो बाकी बातें गौण हो जाती है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमें जो बदनाम किया, इसलिए हमारे कांग्रेस के सारे नेता इकट्ठा हुए राहुल गांधी जी के पीछे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बदनाम कब आपको किया उन्होंने? आपको सम्मान दे दिया तो आप बदनाम नहीं हुए। जमानत में देश के सामने आर्थिक घोटाला किया हो और जमानत में, जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रावधान है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है। आप किसी पे एलिगेशन लगा दे, जमानत तो कराएगा ही कराएगा। क्या? हाँ बोलिए बोलिए धर्मका जी। देखिए, जमानत पर हैं, इससे आप अपराधी नहीं हैं या अपराधी, दोनों बातें कोई सिद्ध नहीं होती। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपको कई बार जमानतें लेनी पड़े, आपकी एप्लीकेशंस खारिज हो जाएं, तो मैं तो यहां देखता हूं लोगों पर गुंडा एक्ट लग जाता है, बोले इनके खिलाफ 10 मुकदमे हैं, 10 में जमानत में, लेकिन इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग जाएगा। तो इसमें चढ़ने की क्या बात है? दूसरी बात, आप कहते हैं जवाब देंगे, हमने सम्मन कर लिया तो साहब भाजपा बदनाम कर रही है। आपने सम्मन किया कि ये यही साबित होता है, आपकी बात से साबित होता है कि इसके पीछे सरकार है। यही, आप सरकार हैं तो सरकार के माई बाप नहीं हो सकते? माई बाप आप हैं, आप एजेंसियों के माई बाप, और उसको नियंत्रण में नहीं कर सकते। हम के बात मत करिए कि हमने सम्मन दिया। आप जब हमारे पर निष्पक्षता यही सिद्ध हो गई कि आपने अपने मन की बात निकल आई। आपने, हम झूठ बोलते हैं, आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आप प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, झूठ बोलते हैं भाई। आप देखिए, आप इतिहास में गिनाता हूं, सुभाष चंद्र बोस का 6.5 करोड़ का 6 बक्से में हीरे जवाहरात थे, मिस्टर अय्यर के मार्फत नेहरू जी ने गायब करवाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स का ये सब जो 8 साल से आपकी गवर्नमेंट थी, फाइल खुल गई, क्या हुआ? खुल गई। क्या किया आपने? और अय्यर खुल गई, सामने ले आते ना, और आप केवल बदनाम करे, हिट एंड रन करते सामने, बदनाम करते। आप सुन लीजिए, और अय्यर को आपने अपना सलाहकार बना लिया, ठीक। आज आप कहते हो घोटाला नहीं किया, अरे राष्ट्र का घोटाला है ये भाई, नेशनल हेराल्ड एक चौथा पाया है। आप मीडिया को कैप्चर करें। दूसरी बात, जब आप कहते हो एक सिख कंपनी है वो किराए पर दे दी, तो फिर आपके 90 करोड़ की 50 लाख की जरूरत क्या थी? क्या केवल देना 50 लाख था? मुझे बताइए, देना था कितना पत्रकारों को? उतना तो आप किराए हर महीने आ जाता। जितनी मोटी उसकी फाइल है धर्म प्रकाश जी, उसको देखने और कहने का समय आधे घंटे एक घंटे के डिबेट में नहीं है, जिसके एक एक पन्ने पर हम आप बैठे। हम मोटी बात कर रहे हैं, सरकार के वकील भी होंगे सर, मैं मोटी बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ दिया एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों? उसको उबारने के लिए उठाने के नहीं, तो एहसास में कोई बात नहीं, नहीं तो क्या बात, कोई भी नहीं, 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 बाकी समाचार पत्र जो आर्थिक तंगी से मर रहे थे उनकी तरफ वो हमारा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से एसोसिएटेड संग्राम सेनानी से जुड़ा हुआ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। दूसरी बात,
उसकी जो कंपनी बनी अगर कोई व्यक्तिगत सैलानी की बात आप कर रहे हैं मदद से उनकी भी हमने मदद 76% राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के पास और आप सेनानी की बात तो कर नहीं सकते कि भाजपा या जनसंघ में कोई था ही नहीं कोई सेनानी नहीं था सेनानी है तो हम उनका सम्मान करते हैं आप अकेले करते हैं माफी मांगी आप ये बताइए आदम और हवा की संतानें हैं जब दुनिया में दो ही आदमी थे स्वतंत्रता के पहले तो हम आपके साथ थे स्वतंत्रता लो लेकिन जब कभी नहीं कभी नहीं आप कौन नहीं रहा की गवाहियां दी है अरे डॉक्टर हेडगेवार लिखी है डॉक्टर हेडगेवार तीन तीन बार जेल गए हैं उसके बाद क्या क्या किया उसके बाद क्या क्या किया जब तक कोई कांग्रेस में रहा उसके बाद क्या 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 किया कांग्रेस में करा लीजिए एक बार संविधान पे कर लीजिए लेकिन आप डाइवर्जन मत कीजिए हम नहीं कर रहे हमारा आप कभी पंडित नेहरू और कहां कहां की बात कर रहे हैं आप कभी सेनानी कभी आपने जो काम देने के लिए किया आज तक आपने कोई ऐसा पेपर हमने उबारने के लिए किया आपने पब्लिक में प्रोड्यूस नहीं किया आज मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूं कि उबारने के लिए किया अदरवाइज नो पेपर हैज बीन एवर प्रोड्यूस्ड आपने सारे पेपर जो एक दसगा जी आज जो प्रदर्शन किया और इससे तो लगा कि कांग्रेस का अपना एक आधार बढ़ रहा है राहुल गांधी नेता माने जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सभी सांसद सब जुड़ गए और दूसरे राज्यों में भी हुआ निश्चित रूप से ये एक शक्ति प्रदर्शन भाजपा को भी जवाब है नहीं हाँ ये आपने भानुमति का कुबड़ा जोड़ा कुनबा जोड़ा जी आपने पूरे देश से लोग बुलाए कितने लोग आए हमें ये बताइए जहां पर दिल्ली में 10-10 लाख और 12-12 लाख की रैलियां होती हैं उसके अगेंस्ट में क्या था आपने किया क्यों एक ईडी के समन पर एक व्यक्ति गवाही देने जा रहा है वहां पर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी आप गिरफ्तार हो नहीं सकते थे आप जमानत पे हैं आप गिरफ्तार नहीं हो सकते थे फिर ऐसे हम ये कहां कह रहे हैं कि हम गए आप गए क्यों होते आप गए राहुल गांधी जी के आज साथ और उनके पीछे गए क्यों गए राहुल जी को क्या कहा आपने इस पे रोक लगा रखी है रोक लगा रखी कि हम अगर अपने नेतृत्व के साथ जाएं तो आपने रोक लगा रखी इसका मतलब ये है कि आप न्यायिक प्रक्रिया को अपने प्रक्रिया बदल जाएगी अगर आप न्याय प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं की न्याय प्रक्रिया संजय गांधी ने वहां मेजर पलटी थी एक मिनट न्याय प्रक्रिया वहां प्रभावित होगी अच्छा जी एक बात तो आप समझ ही लीजिए कि ये एक प्रेशर प्रैक्टिस तो है ये आपने दबाव डालने की एजेंसी पर प्रयास किया माना कि न्याय प्रक्रिया की बात आपने कहा कोई न्याय प्रक्रिया बात नहीं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एजेंसी पर तो आपने दबाव डाला एजेंसी अभी इन्होंने कहा कि हमने भेजा हमने काम करा रहे हैं और ये समितित भी हो गया कि एजेंसियों को इन्होंने शिकंजे में कर रखा है जो चाहते हैं कराते हैं हम ये जनता को बताना चाहते हैं ये हम कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आज राहुल गांधी में इतने लोग तो कल जब सोनिया गांधी जाएंगी तब क्या होगा जाएंगे हम तो हम भेज जाएंगे हम तो जेलों में जाने को तैयार हैं जेल में हमको भरे मतलब आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए हैं कतई भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़े आप हम आपको जो उसमें बताना चाहते हैं कि आप बदनाम अपमान नहीं कर सकते नहीं बदनाम अपमान यहाँ ही नहीं सत्य बात में जो सत्य है घबरा क्यों रही बात हम कहाँ घबरा रहे क्यों घबरा रही बात घबरा तो आ रहे हैं आप लोग इतने लोग अगर अकेले जाते तो आप कहते कोई राहुल गांधी के साथ आया नहीं तब आप ये कहते आप लोग तो इतना ईडी क्या लोगों को जाने की जरूरत ही क्या है जाने का मतलब ही नहीं आप लोग इतने रूप बदले इतनी बातें क्या बदल दे रहे हैं गया हम कोरोना इन्फेक्टेड हो गए हम कोरोना से ग्रसित हैं कोरोना है नहीं कोरोना है नहीं अगर कोरोना नहीं है तो अस्पताल जांच करके कैसे एडमिट कर रहा है कितना गलत और मैंने कोरोना आरोप लगा मैंने कोरोना की संभावना है इसलिए मुझे न बुलाया जाए चलिए भाई आगे बुलाया जाएगा आगे बुलाया जाएगा नहीं लेकिन आप करोगे क्या आप तो केवल आग में घी डालेंगे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं चलिए अरे आगे 10 बड़े नेता साथ में चले जाते ना हमें तो आग लगाई आप इस पे कानूनी रोक लगा सकते हैं तो लगाइए कि कोई नहीं जाएगा साहब सब घर में कैद कर रहे हैं धारा 140 का उल्लंघन करके हमारे बार बार लगाते हैं ऐसा है कि जब आप वार करो बिलो बेल्ट
तो आपने अपराध किया, बोले आप सजा दीजिए। जब हम सजा देने लगे तब आप बोले साहब सरकार तो मनमानी कर रही है। इसका मतलब आप सजा देने की बात स्वीकारते हैं, कोर्ट सजा नहीं देती, ये आप कोर्ट सजा देती है, ये आपका अहंकार है, तो कोर्ट के ऊपर है। आप कोर्ट कोर्ट आप एक सुपीरियर देने इकाई है भाई, सुपीरियर कोर्ट नहीं थी, ये कहा कि आपका ऊपर ये मुकदमा चलता रहेगा, इस पर कोई रोक नहीं लगेगी। आप जब सुपीरियर कोर्ट ने कह दिया तो मैं आपको आदमी इकट्ठा नहीं कह रहा हूं, आदमी कोई इकट्ठा नहीं किया, इसके लोग स्वयं गए, स्वयं नहीं गए। आप 10 दिन से मीडिया में आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी साहब इतने लोग जाएंगे, यहां से लोग आएंगे, राहुल गांधी थोड़ी कह रहे, हम कह रहे हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं? हम कहेंगे, क्या आपने नेता के पीछे जाएंगे? आपका नेता भ्रष्ट है तो भी जाएंगे? नहीं, कतई भ्रष्ट नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं आप कोर्ट से, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गलत नहीं कह रहा, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोर्ट ने कहा क्या? ऐसा चार्ज लग चुके हैं, चार्ज कतई लग चुके हैं, कतई नहीं, चार्ज फ्रेम हो ही नहीं, कतई नहीं। कोर्ट जब तक पूरा फैसला नहीं है कोई नहीं कह सकता। ईडी ने 54 करोड़ इसीलिए आपके अटैच कर लिए, ईडी ने तो 54 करोड़ आपके अटैच किए। सरकारी वकील की पैरवी में अगर ये बात आई और अटैच किया भी है तो क्या वो छूटेगा? नहीं, जब छूटेगा जजमेंट आने की, भ्रष्ट और ये वो कह के बायस बात। एक बार बताइए, आपके खिलाफ केस क्यों नहीं लग गया? क्यों नहीं लग गया भाई? हर सड़क चलते आदमी के साथ से जो गलती करेगा उसके ऊपर केस लगेगा। माने ये फिर तो ये छवि बन जाएगी अतार जी की, जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दबाव डालती है। नहीं, कोई दबाव नहीं, 8 साल से आपकी सरकार है भाई, के साथ आप कार्रवाई करिए, बदनाम न करिए। ठीक, चलिए एक बात और भी है जरा, उन केसेस में क्या हुआ जो हमारे समर्थक दल से? एक बात जी और है कि क्या क्या कहते थे, एक ही बात और भी है कि आज ही राहुल वाड्रा ने एक ट्वीट किया और कहा कि कोई खास बात नहीं है, देखिए बहुत है, और उनको सीधा सीधा कहना था ये तो केवल सरकार तंग कर रही है, परेशान कर रही है। और उन्होंने कहा मुझे 15 बार बुलाया गया ईडी में, 15 बार, और 15 बार बुलाने पर हमसे सवाल जवाब किए गए, हमने जवाब दे दिए, हम चले आ रहे हैं। तो इसी तरीके का ये उत्पीड़न है, ये राहुल वाड्रा ने आज सीधी सीधी बातों में कहा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप 15 बार हो गया उनके साथ, कौन सा उत्पीड़न हो गया? उसने जवाब दिए, उनके जवाब नोट किए गए, इसके माने वो सही है। आप परेशान कर रहे हैं, आप ये कहते हैं जीजा जी कुछ निकला जी, इतनी जगह पर आप इन्वॉल्व हो कि आपको 15 का 25 बार भी बुलाया जा सकता है भाई। अपराध रहा कितनी जगह में, एसोसिएटेड जर्नल है तो यही षड्यंत्र है, कितनी जगह में लगातार आपके सामने आप सरकार डे वन से हमारे खिलाफ ढूंढा करती है, कुछ नहीं ढूंढा डे वन से। हम तो जानते हैं कि वो बेचारा नागरवाला कांड था, 60 लाख रुपया फोन मंगाया गया, नागरवाला मार दिया गया, उस 60 लाख का कोई पता नहीं चला। क्या बात बदनाम करने कहते हैं? बदनाम क्या, ये सामने है कहां के अनर्गल अनर्गल सही है, भाजपा के लोग मैंने क्या स्टेट बैंक 60 लाख गया, क्या क्या 60 लाख रुपया नागरवाला को नहीं दिया? लेकिन मार दिया गया तो जज लोया को क्यों मार दिया गया? अरे आप नाबालिग बच्चे से कहला दिया गया, क्या मतलब है क्या? आप लक्ष्मी वो अपने ललित नारायण मिश्रा बम से उड़ा दिए गए, आप कैशियर थे। अरे ललित नारायण मिश्रा, अरे आप 50 साल पुराना अपने सरकार आने के बाद पार्टी की आई गई नहीं है, आप मारने का चरित्र भाजपाइयों का बदनाम कर, आप इमरजेंसी में गड़बड़ी है की उस पर संजय गांधी को बुलाया गया, इसी के तुरंत बाद आपकी और सरकार ने क्या किया कि वहां मेजे पलटने लग गए, हल्ला मचाने लग गए, आप जमी रिकॉर्डेड है, 50 साल पुराना ये मैंने, ये रिकॉर्डेड है। नहीं नहीं, मेरा सीधा धोते रिकॉर्डेड को आप बजाते रहिए, भाजपाइयों के पास समय बहुत है, केवल आरोप और अतर जी ये बात भी समझने की है कि जब कोई दागी व्यक्ति या आरोपी व्यक्ति है या जो उसके ऊपर है उसके साथ में एक माप का जाना, तो ये क्या, मेरी बात सुनिए, तो ये क्या
जनता में एक गलत संदेश नहीं जाएगा। और आप लाख राहुल गांधी को महान नेता बता रही है, लोग तो ये कहेंगे कि 2000 करोड़ की संपत्ति पर आपने कब्जा कर लिया, विश्वासघात कर लिया, और जब आपसे पूछताछ की जा रही है तो आप प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, तो ये तो लोग कहेंगे ही, तो क्या फायदा होगा ये जो आप राहुल जी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत में इतना मिला है, उनकी रॉयल्टी में इतना मिला है, उनको पैसे की कोई ऐसी आवश्यकता होती तो वो मंत्री गए होते या प्रधानमंत्री बन गए होते, ऐसी कोई लालच नहीं है। ये सारा कसारा प्रधानमंत्री कहां बन जाता, मंत्री कहां बन जाता, मैं लालच की बात पे कह रहा हूं। ये सारा का सारा आरोप कोर्ट में जब फैसला पूरा आएगा तो साफ हो जाएगा कि ये षड्यंत्र किया गया और सब उसके पीछे भाजपा के लोग और उसके जो कुंभा होता है वो करते हैं। अच्छा एक बात तो आने दीजिए ना, फिर आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कोर्ट में विश्वास कीजिए, होने में हमको कोर्ट पे पूरा विश्वास है। आपने कहा कोर्ट आपके नियंत्रण में, आपने कहा ईडी और सीबीआई आपके नियंत्रण में, आपने कहा नहीं किसकी सरकार है एजेंसियां, एक बात जब कांग्रेस सरकार थी, सरकार सरकारी एजेंसी सरकार की, और सरकार जिसकी उसका नाम तो आप लोगे ही लोगे, लेकिन कोई ये बताइए अवैधानिक, आपने कहा हमने किया, अवैधानिक प्रक्रिया से क्या राहुल गांधी को बुलाया गया, किसी अवैधानिक प्रक्रिया से नहीं, अवैधानिक प्रक्रिया से नहीं, तो बुलाई नहीं सकता, जब नहीं बुला सकता, बुला नहीं सकती, जब अवैधानिक आपको दिक्कत क्या है कि हमारे साथ में दिक्कत ये है कि लोग गए, आप धारा 144 भी तोड़ोगे, उसके बाद कहोगे आप हमारे, आप हमको चिढ़ा रहे हैं, नहीं आप हमारे 144 तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार करिए, जेल भेज दीजिए, गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करें, सबको करें, देशभर को करें ना, आप ही चाहते हो कि अराजकता का माहौल बने भाई, अराजकता का माहौल तो भाजपा बनाती रहती है नित्य भाई, ये तो आज सामने आ गया कि कौन बना रहा है, आप आज हमको गिरफ्तार करा लीजिए, सारे कांग्रेस के लोगों को देशभर में करा लीजिए, है कितने जो गिरफ्तार करा रहे, पता लग जाएगा जेल में, वो पता लग जाएगा, वो तो कोई बेईमानी का गेम नहीं होगा, सब जेल जाएंगे, वो तो हमें मालूम है, उसमें ध्रुवीकरण नहीं होगा, है कितने लोग प्रतिक्रिया करा गए, करा लीजिए कम करा लीजिए सर, 389 में 391 में 387 की जमानतें जब्त हो गई तो आपके साथ कितनी जनता है। चलिए चलिए मैं अब यहाँ एक छोटा देखिए, लोकतंत्र में आप बहुत दिन तक कुछ नहीं पाते रहे, आपकी निरंतर जमानत जब्त, दो सांसद ये रोते थे आप, आचार्य जी आप एक हमने आपका अपमान नहीं किया, आप जनता का अपमान करते हैं, आचार्य जी ब्रेक ले ले फिर उसके बाद बात करेंगे, जी जी ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की ईडी में पेशी और कांग्रेस की ताकत। सबसे पहले मैं अपने दोनों मेहमानों को एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूं, और मैं यही कहूंगा क्या कांग्रेस इसी को दोहरा रही है, क्या कांग्रेस जो है इंदिरा गांधी की राह पर जा रही है, क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने के लिए यही हथियार अपनाया जा रहा है, मतलब कानूनी कार्रवाई के खिलाफ राजनीतिक हथियार। अतः जी आपको मालूम होगा 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई के डायरेक्टर एनके सिंह इंदिरा गांधी के घर जाते हैं, शाम को 5 बजे का समय होता है, सोनिया गांधी उस समय चाय बना रही होती हैं, और सीबीआई के डायरेक्टर जब जाते हैं तो इंदिरा गांधी से कहते हैं कि भाई आपको गिरफ्तार करने आया हूं। इंदिरा गांधी कहते हैं बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहा लेकिन एक काम करिए, मुझे हथकड़ी बांध करके ले चलिए। अब बस इसी में बातचीत शुरू हो गई, हथकड़ी बांध करके ले चलिए। फिर इंदिरा गांधी ने भी पूछा कि बताइए कौन सी एफआईआर मेरे खिलाफ है, कौन सा वारंट मेरे खिलाफ है। माने कहते ये सब करने के साथ में ये मैसेज सब जगह कर दिया गया, मीडिया को बुला लिया गया, सब लोगों को बुला लिया गया, और ये मैसेज चला गया कि इंदिरा गांधी गिरफ्तारी की जा रहे हैं। बस इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का नाम लेते ही पूरे देश में जगह जगह लोगों ने जेल भरना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि कानपुर में भी ये हुआ था, श्रद्धानंद पार्क से थोड़ा सा आगे वो जो आप जानते हैं बीच वाला मंदिर, जी जी। तो वहां पर शर्मा भारत
रेस्टोरेंट के पास अक्सर लोग खड़े होते थे, जैसे ही ये सूचना आई उसमें मुझे याद है विमल बेरोत्रा थे, कई लोग थे, और उस बीच वाले मंदिर के पास आकर के इंदिरा गांधी और जिंदाबाद और ये है और जेल भरेंगे और शुरू हो गया और सब जाकर के जेल चले गए। क्या उसी रास्ते को, क्योंकि अब लग रहा है कि अब तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा राहुल गांधी को, तो क्या राहुल गांधी इंदिरा गांधी के उसी राजनीतिक हथियार को अपनाने के लिए कूद पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जिस घटना का जिक्र किया, पांच दशक से ऊपर की बात, के कांग्रेस के लोगों में और कुछ बड़े नामों का आपने उल्लेख भी किया, वो अड्डा था भारत शर्मा रेस्टोरेंट के पास, सब इकट्ठा होते थे राजनीति के लोग, हर दल के और कांग्रेस के अधिक होते थे क्योंकि कांग्रेस में ही था और भाजपा और जनसंघ तो उसमें आती भी नहीं थी और थे भी नहीं। तो एक आक्रोश उठा, तो उस आक्रोश से इस आक्रोश को कोई ऐसे मिलाना कि दोनों तयशुदा नहीं, एक जनता में और कांग्रेस जनों में या किसी भी दल के नेता को अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो जो लगे कि अन्यायपूर्ण है, तो जनता और विशेष रूप से उस पार्टी का कार्यकर्ता उद्वेलित होता है, आक्रोशित होता है, निकल पड़ता है और साथ दिया, इंदिरा जी का दिया और हम हमेशा देते आए हैं, राहुल गांधी जी के साथ भी अगर कोई अन्याय हो। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब जब आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए, आपको जेल में डाला जाए, तो आप इसी तरीके से एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाएंगे, वे लोगों को बताएंगे और आप ये काम करेंगे। नहीं तो आप तो इतने अनुभवी पत्रकार है कि इंदिरा गांधी जी पर कोई क्या ऐसा आरोप भ्रष्टाचार का था जिसका तमाम आरोप थे? नहीं थे, ऐसे सीबीआई नहीं गई थी उनको पकड़ने के लिए। आरोप आरोप और आरोप का जो स्पष्ट हो जाना कहते हैं, वो क्या ऐसा था कि बाद की सरकारों ने उसको उठाया नहीं होगा या उठाना नहीं चाहा होगा? ये सब बातें केवल राजनीतिक बदनाम करने के लिए होती है, छवि खराब करने के लिए होती है। इंदिरा गांधी ढाई तीन बरस के अंदर अंदर फिर पूरी शक्ति के साथ देश में वापस आई। हाँ, इसीलिए यही राहुल गांधी करना चाहते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो चूंकि भाजपा बहुत दिनों से बदनाम कर रही थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आहत था उनसे एकजुटता दिखाने के लिए। हमने कोई विरोध ऐसा नहीं किया जो अशोभनीय हो, असंसदीय हो, तोड़फोड़ हो, या किसी अधिकारी को हमने अपशब्द कहा हो या सरकार को। हम निकले उनके पीछे, उनके साथ गए, उनके नेतृत्व को संबल देने के लिए गए। ठीक बात। धन प्रकाश जी, ये जो राजनीतिक हथियार चलाया है, आपको लगता है कि इंदिरा गांधी के समय तो बहुत कामयाब हो गया, लेकिन क्या राहुल गांधी के समय भी? मुझे बड़ी पुरानी कविता याद आ गई जी, कि स्वर गंगा भी अरे भगीरथ, यत्नों से भूतल पर आती, किंतु शीश पर धारण करने शैल राज की शक्ति चाहिए। आप किसके पीछे ताकत लगा रहे हैं? वो उस ताकत को कैरी करने की पावर रखता है ये ना रखता, ये तो आप सोचो। इंदिरा गांधी के ऊपर उस समय सीधे 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप नहीं था कि पैसा चोरी कर लिया आपने, कि 90 करोड़ लेकर के माफ कर दिया, 5 लाख में 2000 करोड़ का ले लिया। आज तो ये दूसरी बात कि इंदिरा गांधी, जैसे आपने बताया कि इंदिरा गांधी ने प्रश्न किया कि भाई मुझे संबंध दिखाओ, यहां तो आपको मालूम है कि सम्मन आपके पास आ रहा है, आ गया है, आपको इस डेट में जाना है। हम गए उस सम्मन पे, फिर प्रेशर क्यों? बाकी लोग नहीं, प्रेशर कहां का? आप इसको प्रेशर क्यों ले रहे हैं? प्रेशर ये कि भाई वहां पर राहुल प्रेशर से जाएगा ईडी? नहीं, क्या वहां पर कमजोर संस्था है? क्या राहुल गांधी, अगर इतने आदमी ना खड़ा होते तो क्या राहुल गांधी वहां बोल नहीं पाते? ऐसा भी कुछ नहीं। फिर राहुल गांधी जब संसद में आपके खिलाफ बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, तो एक आदमी लेके गए? आदमी लेके नहीं गए, हम उनके समर्थन में, उनके नेतृत्व में एकजुटता के लिए गए। क्यों गए? आपको इसमें क्या तकलीफ? हमको तकलीफ क्यों? क्यों बताइए? इसलिए है कि आप राष्ट्र जंगल में लगा ना, राष्ट्र की संपत्ति का जो घोटाला कर रहा है, आप उसके पीछे खड़े हो, आप भ्रष्टाचार के पीछे खड़े हो। राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं वो ईमानदार है। अगर जी मेरी बात सुन लीजिए, धन प्रकाश जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, कहा कि इंदिरा गांधी नहीं है राहुल गांधी जो उनके पीछे इतना माप चल जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। आपको एक और उदाहरण बता दे रहे हैं, संजय गांधी ने भी ये हथियार अपनाया था,
खूब गए थे, सड़कों पे गए, अदालतों में गए, सब कुछ गए, जेल गए और जेल में रहे, लेकिन वो लाभ संजय गांधी ने उठा पाए थे। इंदिरा गांधी ने तो उठा लिया, लेकिन संजय गांधी नहीं उठा पाए थे। देखिए तो ये बात आप क्यों नहीं मानते हैं कि कहां इंदिरा गांधी, अगर ये सोच भी राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं तो राहुल गांधी के लिए धोखा है, गलत रास्ता है, उनकी नीति गलत है, उनकी रणनीति गलत है। आप क्यों नहीं इस बात को मान रहे हैं? देखिए इंदिरा गांधी जी के ही पोते हैं राहुल गांधी जी, और पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, ईमानदार है। ये आरोप बेकार का है, झूठा है, सिद्ध होगा एक दिन कोर्ट में। हम राहुल गांधी को अपना नेता समझ के उनके पीछे उनके समर्थन में गए, और इसलिए गए कि भाजपा उनको लंबे अरसे से बदनाम कर रही थी, और अगर आवश्यकता आएगी हम इससे अधिक जाएंगे, पूरे देश का कार्यकर्ता जाएगा, अभी तो बहुत कम पहुंच पाए। लेकिन धर्मप्रकाश जी कुछ बोल रहे हैं, कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी सच्चे हैं और आप लोग पूरा कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे है, तो जब मनमोहन सिंह के जमाने में उन्होंने सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल को फाड़ा था तो कितने कांग्रेसियों ने उस बिल को फाड़ा? तब कहां चली गई थी आपकी वफादारी? तब कहां चला गया था आपकी फॉलोइंग? हमारी फॉलोइंग उनके साथ हमेशा रही है। कहां रही? आपने कितने, क्या वो बिल पारित नहीं हुआ? अरे वो छोड़िए, आप जो कहना चाह रहे हैं आप दूसरी तरफ अभी ना जाइए, समय कम है। आप राहुल गांधी के साथ अगर हम गए खड़े हुए, इसमें आपको कष्ट क्या? हमको कष्ट ये कि आप भ्रष्टाचार के लिए खड़े हैं, तो आपको तो सबको जेल भेज देना चाहिए कि सारे भ्रष्टाचारी जाएंगे। भेजिए, जाएंगे, पूरी कांग्रेस तैयार है, बंद भी करिए। अगर ये सवाल बताइए, आप तो बहुत अनुभवी है, सब कुछ अच्छी बात है, हम आपसे जरा पूछना चाहते हैं, इंदिरा गांधी गिरफ्तार होती है तो पूरे देश में गिरफ्तारियां होने लगती, जेल भरने लगते हैं, संजय गांधी जब ये प्रयास करते हैं असफल हो जाते हैं, और अगर आज राहुल गांधी इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, तीनों में आपको अंतर क्या दिखता है? देखिए समय का अंतर होता है, घटनाक्रम का अंतर होता है। राहुल गांधी जी को इतना बदनाम किया गया, उन लोगों को इतना बदनाम नहीं किया गया। राहुल गांधी जी पर ऐसा कोई भी माध्यम नहीं छोड़ा मोदी सरकार ने अपने एजेंटों के माध्यम से कि कुछ भी कह डालो। जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हमको पप्पू कहा जाता है, उसके बाद से बंद किया, वरना गोद में बच्ची को लेकर के एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि गोद में बच्ची को लेकर के डायलॉग रटवा करके वो लड़की कहती है गोद में राहुल गांधी पप्पू है, ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को। देश का नेता होता है प्रधानमंत्री, ये घटिया स्तर की बातें करते हैं, ये बदनाम करते हैं, इसके लिए हम सब उनके पीछे खड़े हैं। तो इसीलिए आप बदले की भावना से, बदले की भावना से हमारा समर्थन अपने नेतृत्व को, आप जो है हम अपने नेतृत्व पर आस्था प्रकट करते हैं, हम राहुल गांधी जी को हमारे उस चीज का जवाब दे दिया कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राहुल गांधी ने कहा ना कि घटनाक्रम और समय का अंतर होता है। क्या आज, अच्छा बस वही बात है, इंदिरा गांधी के समय और राहुल गांधी के आज के समय में क्या अंतर पाते हैं? देखिए ये आरोप मैंने जैसा कहा कि राहुल गांधी जी को ऐसे बदनाम करने की चेष्टा की गई, ऐसा राजनीति में कभी 1952 से किसी सरकार ने किसी के लिए नहीं किया, इसीलिए उनके साथ इतना बिल्कुल पीछे खड़े हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे। तो धर्मप्रकाश जी, ये जो हथियार चला रहे हैं, आपने भी कहा कि सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्या वास्तव में राजनीति में इस तरीके के हथियार चलने चाहिए? देखिए साहब एक बताइए, एक लोग कहते हैं जब क्लियोपेट्रा नदी में यात्रा करती थी तो उसको दुनिया का दर्द ना दिखाई दे, इसके लिए उसके साथ साथ बैनर वो पेंटिंग चलाई जाती थी हरे भरे पेड़ों की, सारा कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे गुजरात में आपने उनके लिए किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए सब दीवारें खड़ी करा दी थी, तो आपने, आप केवल राहुल गांधी को धोखा दे रहे हो, आप राहुल गांधी को और बदनाम कर रहे हो कि देखो तुम्हारे भ्रष्टाचार को बचाने के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम भ्रष्टाचार क्यों? राहुल गांधी के पीछे बाकी जनता आगे नहीं आ रही, आम जनता ये शब्द सुनिए, आम जनता ये नहीं, ये वर्ड है, ये वर्ड है, उस समय इंदिरा गांधी के समय आम जनमानस जुड़ा था, इसमें भी दो राय नहीं है,
और आज भी आम जनमानस को ये एहसास हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था, इसमें समय लग रहा है। लोग अभी जो धर्म की अफीम में घोल दिया गया है उससे जब निकलेंगे तो पहचानेंगे कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को दबाने के लिए सब किया जा रहा है, उनको झूठा आरोप लगाया जा रहा है ताकि मुद्दे न उठाए। और इसके पीछे जो आज ये हुआ है कड़ी यही है कि पार्लियामेंट आने वाली है, हमारे राज्यसभा के तमाम सांसद जो चुन के आए सबके सब एक से एक दिग्गज और सवाल पूछने वाले इनको सरकार को घेरेंगे। बेरोजगारी, महंगाई के नाम पर, अव्यवस्था के नाम पर और तमाम अराजकता के नाम पर जो इस सरकार का फेलियोर है, देश का जो मस्तक झुकाते चले जा रहे हैं, ये आज रुपया गिर रहा है, आज तमाम महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, ये सवाल ना उठ करके दूसरी बातों पर राजनीति को उस पर सवाल पूछे। दूसरी बात कहते हैं कि मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में वहां के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 3 दिन होटल में रुकना पड़ा, हमारे यहाँ रेड कार्पेट बिछा करके उनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या अमेरिका का राष्ट्रपति लेने आए। कितने वर्ष तो आपके नेता को वीजा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? सब आपकी सरकार थी, सबका सरकार थी। क्या मतलब होता है? आपने बदनाम किया मोदी को, मोदी को स्वयं बदनाम, उसको कौन क्या बदनाम करेगा भाई? ये बात हम भी राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि जिसमें कुछ गटसे नहीं है आप देखिए तो उनसे घबराते क्यों? घबरा रहे हैं क्यों? डरते हैं राहुल गांधी के सपने क्यों आते हैं? हमें कोई सपने नहीं आते भाई। देर रात राहुल गांधी, राहुल गांधी खेत में धोखा खड़ा कर देने से क्या होता है कि कुछ दिन बाद चिड़िया भी उस धोखे पर ही बैठ रहने लगती हैं। प्रॉब्लम तो आपको राहुल गांधी जी, आप मुझे एक बात, अच्छा एक बात बताता रहे, चलिए एक बात के जवाब दो कि आपसे सवाल करते हैं, डरते नहीं है। अरे दब बजा जी जो पूछ रहे उसके जवाब जो आखिरी सवाल हमारा, आखिरी सवाल कि सरकार में होकर सवाल ये करना चाहिए, एबीजे बनाई गई या जो जनरल बनाया गया, एसोसिएट जनरल बनाया गया, उसमें ऐसी क्या बात हुई कि 76% पूंजी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए क्यों हुई? बस इतना जवाब दे दिए, उनकी क्या जरूरत है? वो आम कार्यकर्ता क्यों नहीं दिए? सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शेयर होल्डर हैं, सबने पैसे भेजे, आप भी भेजे, बाकी सब 24% में आप अपनी बात करते जाएंगे, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व वही हो जाएगा, अतर नहीं हो जाएंगे उसके सर्वे सर्वा। चलिए चलिए, हमने उसमें कोई घोटाला नहीं, कोई बेईमानी नहीं, आपने बदनाम किया तो राजनीतिक रूप से आपने जितना बदनाम किया हम उनके पीछे खड़े थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद जी आपको भी, बहुत अच्छे ढंग से आपने जो कानूनी कार्रवाई पर राजनीतिक हथियार अपनाया गया है उसका विश्लेषण भी किया है। अब देखना ये है कि कांग्रेस का रास्ता कितना साफ नजर आता है और भाजपा इसमें कितना घिरती है, देखते रहिए विचार मंथन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @jmdnews।